चैप्टर टू के सॉल्व करने थे ना? चैप्टर 2 के ही सॉल्व करने थे। 1 मिनट, ये तो हो गया था। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आया गाइस, क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, हाँ चैप्टर सर, 2। ओके, आंसर सी आ गया। ओके, तो भी अपन ले लेते हैं। ओके, द डाउन हिल एंड एंड ऑफ ए 30 मीटर टाइप हेल्ड टू 90 सेंटीमीटर टू लो, 90 सेंटीमीटर टू लो, 90 सेंटीमीटर टू लो। ओके, द करेक्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज, द करेक्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज, देखो बोर्ड पर। पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो गया कि 90 सेंटीमीटर से ये ऐसी है और ये आपका डी आपको निकालना है, डी आपको फाइंड करना है, और ये जो टेप है दैट 30 मीटर का टेप है। ओके, सो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? वैसे देखा जाए तो दैट 30 मीटर इज इक्वल्स टू 0.9 स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर में अगर करने गए तो 0.9 मीटर हो जाएगा, 0.9 मीटर, 0.9 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो अपन इसको उल्टा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, डी इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस, माइनस अगर स्क्वायर कर दिया मैंने तो ये 0.9 माइनस में चला जाता, 0.9 स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाउ मच, 29 पॉइंट समथिंग आता है ना, 29.98 मीटर, दैट इज योर डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द मेजरमेंट लेंथ ऑफ लाइन विड्थ 30 मीटर टेप, द टेप वॉज मिस अलाइंड, टेप क्या है, मिस अलाइंड है, अलाइंड एक लाइन में नहीं है, ऑफ एन ऑफसेट, ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया है आपका मीट से, वो कितना लिया है, 50 सेंटीमीटर एट द मिडल लाइन। ओके, फॉर मेजरमेंट 60 मीटर लाइन, द करेक्ट डिस्टेंस इज, करेक्ट डिस्टेंस इज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है तो आपको ये करना है, यानी इसमें फिल करना है आंसर, इसके निगेटिव मार्किंग नहीं रहते, जीरो निगेटिव मार्किंग रहता है इसमें। ओके ओके गाइस, देखो क्या बोला है, देखते थे। सर हाँ बोल, जी, क्या जो होते हैं आवाज, आवाज नहीं था, कौन ज्वाइन नया होता? काई ने का झाला सर, ते रत्नदीप का मैसेज आला होता ज्वाइन? सर। ओके ओके ओके, रत्नदीप ज्वाइन नया होता, आता चला, ठीक है, ते शेयर फाइल ओपन राली का ज्वाइन नया होता। ओके, सो क्या बोला है, एबीसी, एबी मिडल पॉइंट इज, तो क्या हो गया कि आपका जो भी 60 मीटर का टोटल आपने ये लिया, उसमें से आपका 30 मीटर जो है वो ये 30 मीटर है, 30 मीटर की चेन है, और ये भी 30 मीटर की चेन है, लेकिन अलाइन नहीं है,
एक इसमें नहीं है, यहाँ पे ऑफसेट है आपका, ऑफसेट कितना है आपका, ऑफसेट है 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का ऑफसेट है। तो आपको ए बी सी यानी ए से बी का करेक्ट डिस्टेंस होना, दिस करेक्ट डिस्टेंस, वी वांट दिस करेक्ट डिस्टेंस डी। ओके, अगेन आपके पास ये इसी तरह आपको डी डी निकाल के दे देना पड़ेगा। ओके, डी डी निकाल के देना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेक्शन निकाल लेते हैं, यानी करेक्शन, या फिर डायरेक्टली डी आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये 50 50 आप करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी 50 इज नथिंग बट 0.5 मीटर। ओके, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर 30 मीटर, 0.5 मीटर 30 मीटर, वैसे करके भी आप कर सकते हैं, यानी इस तरह भी। सो टोटल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस करना पड़ेगा आपने, क्योंकि इधर इधर से भी सेम करेक्शन आएगा, इधर से भी सेम करेक्शन आएगा। ओके, सो वो करने से बेटर है कि हम क्या कर लेते हैं, हम करेक्शंस निकाल लेते, करेक्शन। डी स्क्वायर बाय ट्वाइस एल वन प्लस डी स्क्वायर बाय ट्वाइस एल टू। ओके, सो 0.5। अब आप बोलोगे सर ये डी, ये डी यानी क्या है, तो दिस दिस एरर डी, 0.5 स्क्वायर बाय ट्वाइस इंटू 30 प्लस 0.5 स्क्वायर बाय 2 इंटू 30, it is equals to correction, that is a negative, that is a negative, क्योंकि एक अलाइन में नहीं है इसलिए। ओके, इसलिए तो आपका क्या रहेगा गाइस, करेक्शन, बाद में corrected length। करेक्टेड लेंथ और करेक्टेड डिस्टेंस। अब 0.00833 अगेन समथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, चलेगा। ओके ओके, सो 60 माइनस 59.992, that is the answer, 59.992. okay, near aboutly the answer, 7733 ऐसे आएगा, तो उसको आप यानी 117 ऐसे कुछ तो भी आएगा, तो उसको आप 2 कर सकते हैं। okay, then question number 3। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 50 मीटर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बोला है, सस्पेंडेड बिटवीन टू एंड्स, टू एंड्स सस्पेंडेड बिटवीन टू एंड्स, सस्पेंडेड यानी सैग करेक्शन। ओके, पुल ऑफ, पुल ऑफ 150 न्यूटन, पुल कितना देखे, स्टैंडर्ड पुल इट इज गिवन, यानी स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी, पुल इज गिवन, मेजर पुल इज गिवन 150, द वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ टेप इट इज गिवन, वेट ऑफ टेप इट इज गिवन, व्हाट गिवन, 25 न्यूटन। ओके, द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स इज, तो गाइस सैग करेक्शन, सैग करेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वेट स्क्वायर इनटू एल डिवाइड बाय 24 पी, वेट स्क्वायर इनटू एल डिवाइड बाय 24 पी। तो डिस्टेंस 50 मीटर का सस्पेंडेड है, 50 मीटर का सस्पेंडेड है, अभी यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखो बोर्ड पे करेक्ट डिस्टेंस बोला है, सबसे पहले सैग करेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 18, सैग करेक्शन। W square L upon 24 P square, P
पी यानी पुल स्क्वायर। ओके सो डब्ल्यू यानी क्या हो जाएगा, अगर आपको टोटल वेट देखे तो ठीक है, अगर टोटल वेट नहीं देखे रनिंग मीटर में देखे तो डब्ल्यू इंटू एल करना पड़ता। ओके सो सबसे पहले आप सैक करेक्शन निकाल लो, व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इट इज 25 ना, यस 25 स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ इट इज 50 मीटर, क्योंकि क्या देखे आपको ये 50 मीटर का देखे इस तरह देखे कुछ ना कुछ, और आप स्टैंडर्ड पुल आप इधर दे रहे, स्टैंडर्ड पुल आप दे रहे स्टैंडर्ड पुल आप दे रहे 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। ओके और ये आप बोल रहे कि ये 50 मीटर है, ओके 50 मीटर है ऐसे आप बोल रहे, और इसका जो वेट है डब्ल्यू इट इज इक्वल टू दैट इज 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। ओके सो 24 इंटू पी इट इज 150 न्यूटन, हाउ मच, 0.0578 एंड इट इज इन मीटर करेक्शन। तो सैग करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव, ओके तो दैट इज अ नेगेटिव रहेगा। तो 50 माइनस करेक्टेड डिस्टेंस, करेक्ट डिस्टेंस और करेक्टेड डिस्टेंस, फिफ्टी माइनस 0.0, ओके दैट इज करेक्ट डिस्टेंस 49.94, 49.94 इज द आंसर, 942। ओके देन क्वेश्चन नंबर 4, देन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, टू कंटिन्यू अ सर्वे लाइन ए बी पास्ट एन ऑब्स्टेकल, अ लाइन बी सी 250 मीटर, लाइन बी सी 250 मीटर लॉन्ग वॉज सेट आउट परपेंडिकुलर टू ए बी, वॉज सेट आउट परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम सी, ओके फ्रॉम सी, एंगल बी सी डी एंड बी CE were set out 60 degree and 45 degree respectively. Respectively. Okay. Next, क्या बोला है? If ED is made same line, ED is made on the same line of AB, the length of CD. Length of CD and CE is respectively in meter. CD की length और CE की length आपको निकालना है, okay? दोनों का angle आपको देखे है, BC की length आपको देखे 250. It is the perpendicular यानी obstacle है उसके बीच में, survey line है, AB survey line है, तो सी सर्वे लाइन के बीच में ए बी एंड सी फ्रॉम द एंगल, यानी इसके बीच में आपको क्या है कि ए बी डी ई इट इज द स्ट्रेट लाइन, बट क्योंकि स्ट्रेट लाइन कैसी है, इफ एडी इज द सेम, एडी इज द मेड ऑन द सेम लाइन ऑफ ए बी, यानी सेम लाइन यानी ईडी आपका कौन से लाइन में है, ए बी के लाइन में है, तो सी आपका क्या है, सी आपका एक परपेंडिकुलर निकाला है, कौन से किस से परपेंडिकुलर निकाला है, AB से परपेंडिकुलर निकला है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वन मिनट मैं आपको बता देता अभी किस तरह रहेगा। ओके यानी AB स्ट्रेट, AB एंड CD स्ट्रेट लाइन रहेंगी, AB एंड DE, पहले ED लिखा है उन्होंने, तो AB एंड DE बोलता मैं, AB एंड DE इट इज एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, और C जो है वो परपेंडिकुलर निकल रहा,
वो परपेंडिकुलर, क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है इसलिए परपेंडिकुलर निकाला है, दूसरी जगह का देखने के लिए 250 मीटर का परपेंडिकुलर निकाला है। और उसका एंगल देखे है, एंगल कितना देखे है, बी सी डी इट इज 60 डिग्री एंड बी सी ई इट इज 45 डिग्री, बी सी ई इट इज 45 डिग्री। तो पहले ई आएगा और बाद में सी आएगा, यानी बाद में डी आएगा। देखो गाइस आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 18। ओके क्या देखे आपका, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, परपेंडिकुलर निकाला है 250 मीटर का, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है कुछ, तो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके सम ऑब्स्ट्रकल इज देयर एंड देन नेक्स्ट इट इज कि आपको यहां से एंगल दिया है पहला 45 डिग्री का, पहला 60 डिग्री का, काहे के लिए बी ई डी के लिए 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली बोला है ना, बी ई डी के लिए एंगल, बी ई डी के लिए 60 डिग्री, बी ई डी के लिए 60 डिग्री एंड बी रेस्पेक्टिवली बोला है बी ई बी सी ई के लिए, वेयर बी सी ई के लिए 45 डिग्री। तो इसीलिए बोला ए बी ई डी एक लाइन में, ए बी ई डी इट इज इन एक लाइन, तो आप डी ई भी बोल सकते हैं उसको, नो इश्यू। ओके ए बी ई डी इट इज इन वन लाइन, तो ऑब्वियसली आप ज्योमेट्री यूज करके 10 और 10 आप फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कैसे फाइंड कर सकता हूं, आपको क्या बोला है, ई सी बोला है और ई डी बोला है फाइंड करने के लिए, यानी सी डी और सी ई फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये 250 है, ये एंगल है 100% cos theta, cos theta, cos 45, cos 45 into 250 cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse na, to theek one minute, cos 45 into sorry into nahi is equals to adjacent upon hypotenuse, yeah hypo upon adjacent guys, so c is equals to 250 divided by cos 45 1 by root 2, root 2 ऊपर चले जाएगा, कितना निकलता cos 60 half, okay यानी twice 500 डायरेक्टली, 500 वाले दो दो ऑप्शंस दिख रहा है वहां पे, cos 60 354 वाला बी वाला ऑप्शन है सर, बोल डिवाइड बाय सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू 250 by cos 60, cos 60 यानी half, cos 60 यानी half यानी twice यानी 500, option is D, okay then go to question number 5, go to question number 5 guys, इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5
causing sorry in passing an obstacle in the form of pond hai guys station a and d survey line taken opposite side of pond yani dekho ek side ke pond mein aapka kya hai एक साइड पॉइंट के लिए आपका ए है दूसरे साइड आपका डी है ऐसे बोलता है ऑन द लेफ्ट ए डी लाइन देखो पॉइंट के भी परपेंडिकुलर यानी उसके भी बाजू में लाइंस उन्होंने निकाले हैं तो ए डी जो है ए डी ए एक साइड में है और डी दूसरे साइड में है तो देखो पॉइंट लेफ्ट ऑफ ए डी ए डी के लेफ्ट साइड में ए बी बनाया है AB कितना बनाया है आपने 240 मीटर लॉन्ग बनाया है वॉज लेड डाउन यानी ए से डाउन के इसमें है लॉर्ड लेस डाउन एंड सेकंड लाइन AC भी बनाया सेकंड लाइन AC इट इज इक्वल टू 300 मीटर लॉन्ग ओके वॉज रेंजेड ऑन द राइट ऑफ AD के राइट में है लेफ्ट में 240 वाला ए बी है और एडी के राइट में एसी है 300 वाला बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन में बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन में यानी आप जहां पे बी ए बी कर रहे और जहां पे आप एसी कर रहे तो बी डी सी ये आपके एक स्ट्रेट लाइन में आने को ना ओके इस तरह आपका फिगर बन जाने को ना अभी तक आपका द पॉइंट बी सी डी बीइंग अ सेम स्ट्रेट लाइन बी डी हम देखो बी डी एंड डी सी वेर चेन्ड बी सी एंड बी डी चेन वहां पे चेनिंग करके है तो वहां पे भी उसका डिस्टेंस भी मिला है 150 and 180 respectively width of pond AD ही find करना है AD find करना है okay guys AD find करना है options देखेंगे no options is given okay fill in the blanks question देखो निकालते इसको भी easy है कुछ hard नहीं है easily निकल जाता okay क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है वन ऑफ द पॉन्ड इधर ए है तो इधर डी है और ये आपको विड्थ फाइंड करना है थोड़ा बड़ा निकाल दे ओके विड्थ आपको फाइंड करना है अब ये ए पॉइंट से एक ये डी पॉइंट एक ये बी पॉइंट है ये डी एक लाइन पे है ऐसी बोला है और यहां पे एक सी पॉइंट है ओके दिस इज ए पॉइंट और ये आपकी विड्थ निकालनी है एक और दूसरे इसे आपको किया गया है That is 300 meter. That is 250 meter. That is 150 meter. And next last it is 180 meter. It is given, guys. So अभी इतना सब कुछ तो देखिए आपको आपको निकालना क्या है ये निकालना है 100% निकाल सकते हैं आप कैसे निकाल सकते हैं We want this angle. अगर मुझे एंगल्स पता चल गए तो भी मैं निकाल सकता ओके अब राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं है परपेंडिकुलर वगैरह बोला है क्या कुछ ऐसी नहीं बोला है परपेंडिकुलर वगैरह ऐसे कुछ भी आपको बोला नहीं है तो आप कोई भी एक थीटा लेके कर सकते हैं ओके कोई भी एक थीटा लेके कर सकते हैं जैसे कि ट्रायंगल ए सी डी
cos theta is equals to मैं ये अल्फा लिखने से गेटर मैं थीटा और ये अल्फा यहाँ पर अंदर था थीटा इज इक्वल्स टू मैंने cos theta is equals to क्या होगा 300 square और ये टोटल कितना आ गाइस दैट इज 330 ओके टोटल इट इज 330 300 mm नहीं है मीटर स्क्वायर प्लस 330 स्क्वायर माइनस 240 है गए मैंने 250 लिखा 240 है गाइस माइनस 240 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू 300 इनटू 330 ओके थीटा तो इस तरह आपको थीटा मिलेगा यानी अब आप बोलेंगे ये कैसे क्या किया आपने साइड्स का स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ साइड्स डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड्स 330 फॉर्मूला लगे तो आपको नहीं पता होगा अगर जो 90 डिग्री नहीं आ रहा तो cos theta is equals to adjacent square side square plus again adjacent side square minus opposite square divided by twice into adjacent side into adjacent side okay that is cos theta what is theta 0.71 aata hai cos theta cos theta 0.71 aata hai यार थीटा निकाला तुमने 44.46 थीटा ओके और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बोली आप 0.71 आ रही होंगी कुछ तो भी ठीक है ओके ओके सो एंगल अभी हम अगर कर ले कि एंगल नियर अबाउटली हम सिर्फ और सिर्फ ए सी डी ले लेते सिर्फ ए सी डी ले लेते तो अपने को ये कॉस थीटा की ये जो वैल्यू है उसे आपको पता चल जाता इसी डायरेक्टली ए सी डी से डी आपका पता चल जाता सेम फॉर्मूला यूज फॉर दिस ट्रायंगल एसीडी ट्रायंगल पहले मैंने ए सी बी यहां पे ए सी बी लिखो गाइस ए सी बी ट्रायंगल ए सी बी क्योंकि मैंने क्या लिया ए सी बी लिया अभी मैं ए सी डी लूंगा ओके ए सी डी ए सी डी के लिए ये ए सी बी के लिए लिया है ओके ए सी डी जब लूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू तो वही रहेंगी यानी 0.7136 इज इक्वल्स टू 0.7136 हाँ बोलो 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 कुछ बोल रहे क्या सेवन वन थ्री सिक्स 300 square plus 180 square minus AD square divided by twice into 300 into 180. So ये इधर लेके जाओ आपका AD निकल जाता
0.7136 into 2 into 300 into 180 minus 300 square minus 180 square is equals to माइनस का एक्चुअली बाद में प्लस हो जाएगा वो माइनस एडी सो एडी इज इक्वल्स टू अगर कर दिया जाए माइनस इधर इनटू कर दो सो 300 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर माइनस 0.7136 इनटू 2 इनटू 300 इनटू 180 दैट इज एडी Two point nine one meter. That is AD. Okay, guys. Next. Next it is question number 6. Question number 6. Page number 19. ओके क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 19 ए 30 मीटर मैट्रिक चेन फाउंड टू बी 0.2 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट में टू शॉर्ट कितना है सिर्फ और सिर्फ थ्रू आउट द मेजरमेंट में है ओके आपको कितना मिला 0.2 मीटर मिला टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट इफ द डिस्टेंस मेजर्ड रिकॉर्डेड इट इज 450 द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड विल बी एल डैश बाय एल इनटू एल डैश बहुत इजी पेज नंबर 19 Length is equals to 30 meter, guys. L dash is equals to incorrect. ये standard length of chain. बाद में L dash is equals to कितना short है? 30 minus 0.2 इतना short है? Actual chain length. ओके अब करेक्टेड डिस्टेंस एल इज इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ इनटू एल डैश बाय एल फोर फिफ्टी Measured distance. L dash is equals to actual length, actual chain length. 29.8 divided by 30. How much? That is corrected distance. Too long में होता था तो plus कर देते. Actual length आप plus कर देते too long के लिए. Too short के लिए actual length आपने minus कर दी. यानी उतना short है. Okay. आप 30 नहीं बोल सकते उसको कितना बोल सकते हैं 29.8 मीटर बोल सकता है 29.8 मीटर 29.8 मीटर डिवाइड बाय 30 मीटर इनटू मेजर डिस्टेंस दैट इज 450 सो आंसर इज आपका आंसर तीनों चारों आंसर आपको बहुत बड़े दिख रहे 600 500 800 आंसर है डी
447. 447 मीटर आंसर के हिसाब से. ओके गाइस, स्काई के हिसाब से, आंसर के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन सी आपको वैसे दिख रहा है. दैट इज इजी क्वेश्चन. दैट इज इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 7. क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी आ रहे हैं अपन. कितने क्वेश्चन है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, 11 ही क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. द लेंथ ऑफ द बेस लाइन मेजर्ड ऑन ग्राउंड, लेंथ ऑफ बेस लाइन मेजर ऑन ग्राउंड एट एन एलिवेशन, 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल, 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल. ओके, अबव द मीन सी लेवल इज 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 लेंथ कितनी है गाइस? 2500. द रिक्वायर्ड करेक्टेड रिड्यूस MSL, यानी रिक्वायर्ड करेक्टेड रिड्यूस MSL, MSL यानी करेक्शन MSL में कितना रहने को होना, ये आपको अभी पता करना. देखो मैं फिर से क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, द लेंथ ऑफ बेस लाइन, द लेंथ ऑफ बेस लाइन, वी वॉन्ट बेस लाइन, द लेंथ ऑफ बेस लाइन मेजर्ड ऑन ग्राउंड एट एन एलिवेशन, एट एन एलिवेशन, एलिवेशन मीन सी लेवल से कितना है? 200 मीटर ऊपर है, यानी सी लेवल से 200 मीटर ऊपर है, यानी मुंबई एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट से 200 मीटर ऊपर है. और आपने जो मेजर्ड किया है वो मेजर्ड डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, यानी 2500 मीटर. द रिक्वायर्ड करेक्शन टू रिड्यूस MSL, रिक्वायर्ड करेक्शन टू रिड्यूस MSL, MSL मीन सी लेवल का जो आपने 200 हाइट पकड़ा है उसको करेक्टेड आपका कितना रहेगा, यानी उसको करेक्शन आप कितना देंगे वो आपको अभी करना है. तो दैट MSL का करेक्शन आपका कितना रहेगा वो आपको निकालना है. तो वो आप कैसे निकालोगे? सी करेक्शन इज इक्वल टू एल इंटू आर डिवाइड बाय एच, सॉरी एल इंटू एच डिवाइड बाय आर, एल इंटू एच डिवाइड बाय आर. हाउ? क्यू, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन. सो यहां पे रेडियस देखिए 6370. तो मीन सी लेवल कितना करेक्शन आएगा? क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 69. लेंथ इज इक्वल टू 2500 मीटर, एच इज इक्वल टू 200 मीटर, R is equals to 6370 kilonewton, sorry, kilometer. So, C correction MSL, ये formula याद रखना, C into L divided by R. Sorry, H into L. L into H. L it is equals to 2500 into R. H 200. Length of measure 2.5 kilometers. 2.5 kilometers. Okay. 2.5 kilometers. 18.5 meters ke baad hi agar jata hai mera kuch. To mujhe curvature ye karna padta. To yaha pe 2.5 kilometers hai. To aapko curvature consider karna hi padega. Okay. Into H, height it is 200, height it is 200 divided by R, R it is 6370 into 1000, 1000 cube, क्योंकि मीटर में करना है. How much correction? Correction it is in negative, negative, always negative. How much guys? Always negative. अब तो मीन सी लेवल इतना करेक्शन रहेगा. 0.0785. माइनस 0.0785.
मीटर, जो भी आपका MSL है वो MSL में इतना करेक्शन रहेगा, ओके, मीन सी लेवल में। आप बोलेंगे अभी मीन सी लेवल में इतना करेक्शन क्यों, 200 माइनस 0.0785, इतना आपका एक्चुअल मीन सी लेवल एट द अंडरग्राउंड रहेगा बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ओके ओके गाइस, सो वी वांट ओनली करेक्शंस, सो करेक्शंस आपको मिल गया, दैट ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके माइनस ऑलवेज नेगेटिव। ओके क्वेश्चन नंबर 8 सर। हाँ बोल सर, ऑलवेज नेगेटिव नहीं ना क्या? अबो मीन्स लेवल, मीन्स लेवल असेल तर नेगेटिव। हाँ अबो मीन्स लेवल नेगेटिव, समुद्रामध्ये जर पाच असेल तर पॉझिटिव। ठीक आहे, एक मिनिट, वन मिनिट। नाही तर पॉइंट दिलेला आहे की अबो मीन्स लेवल असेल तर नेगेटिव आणि बिलो असेल तर पॉझिटिव। लेवल असेल तर पॉझिटिव, बरोबर आहे। एक मिनिट, ऑलवेज नेगेटिव अबो MSL, MSL करेक्शन सपोज दिस इज MSL, दिस इज कर्वेचर ऑफ अर्थ, बॉम्बे, बॉम्बे में अभी आपका मीन सी लेवल है, तो आप अगर इधर जाओगे अबो मीन सी लेवल जाओगे, सो नेगेटिव करेक्शन, ऑलवेज, एंड बिलो मीन सी लेवल यानी सी में जाओगे तो आपका पॉजिटिव करेक्शन बिलो द मीन सी लेवल। ओके मीन सी लेवल यानी 0.000। ओके बॉम्बे में, बॉम्बे एयरपोर्ट, ओके बॉम्बे एयरपोर्ट दैट इज इन मीन सी लेवल ऑफ इंडिया, कराची से ट्रांसफर किया है यहाँ पे, पहले कराची था। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन, द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 60 मीटर, फॉर अ लेंथ ऑफ 60 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1:25, अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1:25 स्लोप करेक्शन। ओके सो व्हाट इज स्लोप करेक्शन, 1 माइनस कॉस थीटा, ग्रेडियंट देखिए थीटा आप निकाल सकते हैं, ओके थीटा आप निकाल सकते हैं, उससे आप आपका क्या कर सकते हैं, स्लोप करेक्शन आप निकाल सकते हैं। ओके हाउ, एल इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 70। ओके व्हाट इज, क्या आपको 1:70 टैन थीटा, वन इन 25, ओके अपोजिट अपॉन एग्जिस्टेंट, अपोजिट इज वर्टिकल, वन इन 25, तो स्लोप करेक्शन निकालना, स्लोप करेक्शन निकालना, एल कितना देखे 60 मीटर देखे, एल 1 माइनस कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ दिस, थीटा इज इक्वल टू वाइज टैन इनवर्स ऑफ
1/25. How much? 2.29. 2.29. 2.29. 60 into 1 minus cos 2.29. That is slope correction. That is slope correction. Zero point zero four eight. What is an mm? 48 mm. Slope correction. Okay. Next. Question number 9. ये positive रहेगा negative रहेगा? Guys, slope correction always positive or negative? Slope correction always positive or negative? Negative, okay. Always negative. Next. Question number 9. A 30 meter steel tape is subjected to a pull of 10 kg in three equal span of 10 meter each. Three equal span है, तीन span है, 10 meter each. The area of cross section and density of tape, यानी area भी देखे है 0.08 centimeter square में and density of tape is given 7.86 gram per centimeter respectively. The correction of sag, sag correction आपको निकालना है. WL square by 24 n है यहाँ पे अभी 3 nos and p square. Okay, so सबसे पहले आप W निकाल लोगे kgs में तो better रहेगा. ग्राम पर सीसी में देखे तो सीसी में ही एरिया निकल लेंगे. वन मिनट. सो क्या रहेगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 9. इज वेट क्या देखे आपको? आपको देखे 30 मीटर स्टील टेप सब्जेक्टेड टू, लेकिन इक्वल थ्री स्पैन पे लिया है. 30 मीटर का टेप है लेकिन आपको इक्वली थ्री स्पैन ईच स्पैन ऑफ ये दिया है तो इक्वली आपका 10 मीटर ही आपका सिर्फ और सिर्फ ये 10 मीटर ही आपका ये हुआ है. अब आपको ये W निकालना है. ओके, फाइंड करना है. यानी देखिए है दैट पुल इज गिवन, स्टैंडर्ड पुल इज गिवन 10 kg. टेन केजी सैक करेक्शन आपको करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर? 19. पेज नंबर 70 लिखा है मैंने गलती से, दैट इज 19. ओके, सो नेक्स्ट 10 मीटर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह सब कुछ देख गया तो डेंसिटी इज इक्वल टू एंड वेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका? Density into weight per running meter. क्या देखे? Density देखे है and cross sectional area देखे. Area into density. अगर हम कर लेंगे तो हो जाएगा. Density it is equal to per running meter के लिए अपने को मिल जाएगा. Per running meter के लिए आपको weight मिलेगा. Per meter के लिए आपको weight per meter के लिए आपको मिल जाएगा.
सो वेट पर मीटर के लिए मिलेगा, ठीक है. डेंसिटी, डेंसिटी इट इज इक्वल टू, डेंसिटी इट इज इक्वल टू गिवन 7.86, ओके. एंड एरिया इज गिवन, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड एरिया इज गिवन 0.08 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये ग्राम में मिलेगा, ये क्या में मिलेगा, ग्राम में. We want in kg, ग्राम का kg में अगर करना है तो डिवाइड बाय 10^3, यानी ये क्या में मिल जाएगा, ग्राम में. तो इंटू 1/1000, तो आपका क्या में मिल जाएगा, आपका अभी मिलेगा kg. ग्राम का क्या में करने के लिए, kg में करने के लिए. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी पर सेंटीमीटर रहेगा, पर सेंटीमीटर. हाउ मच, अब सेंटीमीटर का मीटर में करने, कन्वर्ट करने के लिए भी आप कर सकते हैं, ओके, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाकी के जो भी है डायमेंशन इट इज इन गिवन मीटर. सो इनटू 100 आपको करना पड़ेगा. कहां पे इनटू 100 करना पड़ेगा गाइस, पहले ये बता दो ये कितना, फिर टोटल लेंथ अपन इसको इनटू कर देंगे तो वेट, टोटल वेट मिल जाएगा. टोटल वेट इज इक्वल टू वेट पर रनिंग मीटर इनटू एल. (6.288)(10^4) माइनस फोर केजी पर सेंटीमीटर. 6.288 × 10^-4 इंटू सेंटीमीटर में ही आपको अभी लेंथ लेना पड़ेगा. 10 मीटर इंटू 100, 6.288 kg. 10^4 10^4 गेट कैंसिल, नहीं 10^4 नहीं, 10^3 हो जाएगा ना कैंसिल, यानी 0.6. आंसर बराबर है क्या या गलत है कुछ गाइस, बराबर है या गलत है? अरे बताओगे बराबर है या गलत है, ऐसी ये समझ में नहीं आ रहा. 6.288 आ रहा है या दूसरा कुछ आ रहा? बराबर है सर. ओके, आणि हे किती येते मग, 10 मीटरचा स्पॅन आहे तुमचा आणि त्याला तुम्हाला सेंटीमीटर मध्ये करायचं, तर इंटू मी सेंटीमीटर मध्ये करतो कारण की माझा केजी पर सेंटीमीटर आहे. तर हा पण माझा सेंटीमीटर मध्ये झाला, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट कॅन्सल. हाउ मच, 10^3 कटून जाईल म्हणजे 0.6 kg, that is weight. Okay, so formula is sag correction, formula for sag correction. Kya formula for sag correction? Sag nahi, slope. Formula for what? Sorry, sag, sag hi rahega, sagging ho raha, sag correction. Sag correct correction, WL square by 24 N square into P square. W it is 0.6288 into L square, into L square. L square, how much? 30 square. 30 hai total. Divided by. Divided by 24 into
एंड इट इज 3 स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर, पी इट इज इक्वल टू 10 केजी, सॉरी डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू बराबर है, इट इज इन केजी, डब्ल्यू स्क्वायर होना क्या एल स्क्वायर होना, डब्ल्यू स्क्वायर होना गाइस, एल स्क्वायर नहीं, वही तो बोला डब्ल्यू स्क्वायर होना, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि तभी केजी केजी कट होगा, हाउ मच करेक्शन, हाउ मच करेक्शन गाइस, सेक करेक्शन 5.49 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4, ऑप्शन ही नहीं है बोलना है ना, वन मिनट, सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व्ड है, सॉल्व्ड है, कहाँ पे सॉल्व्ड है, सॉल्व्ड आंसर बुकलेट में, सॉल्व आंसर है, सेम क्वेश्चन, हाँ सर वर्ड चेंजेस, तो थ्री स्पैन के लिए इन्होंने क्या लिया है यहाँ पे, वेट के लिए ये लिया क्या, यानी क्या बोलते हैं आपका इनटू थ्री लिया क्या, यानी 30 मीटर लिया क्या लेंथ टोटल वेट, नहीं सर 6.288 सही है, एक मिनट सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर, आंसर फिर गलत है क्या, अभी ये जो देखे आंसर गलत है या अपना गलत हुआ है कहीं, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ना बुकलेट में वो सेम है इसके जैसा, हाँ ये नहीं है ना इसके जैसा है, वही तो मैं बोल रहा ना, यही है 100 न्यूटन बोला है ना, हाँ ठीक है उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन पर, अच्छा ठीक है, thank you.
वेट ऑफ दी सर्कल्स ऑफ एक इसका है, वेट ऑफ दी थ्री इसका लेना पड़ेगा। हमने क्या किया गाइस, सिर्फ और सिर्फ ये वेट एक स्पैन के लिए लिया। तो मेरे कितने स्पैन है, थ्री स्पैन है। अगर मैं यहाँ पे 30 मीटर लेता हूँ तो मेरे 30 मीटर के लिए होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं एक स्पैन के लिए ले रहा तो मुझे 10 मीटर का ही स्पैन लेना पड़ेगा। तो सैक करेक्शन फॉर ईच स्पैन, फॉर ईच स्पैन के लिए हो जाएगा। 10 लेके सॉल्व करो कितना आता बताओ, सैक करेक्शन फॉर ईच स्पैन एक एक स्पैन के लिए, क्योंकि एक स्पैन के लिए यही एरिया निकला है, यही वेट निकला है तुम्हारा, तो एक एक स्पैन के लिए। देन आपको थ्री स्पैन, ऐसी आपके थ्री स्पैन है तो यहाँ पे भी आप वन स्क्वायर करो, क्योंकि वन स्क्वायर, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ईच स्पैन के लिए कर रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू वन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपका वन स्क्वायर होना, एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर। फिर आप जो भी करेक्शन रहेगा मेरा, वो करेक्शन को इंटू थ्री कर दो तो वो थ्री स्पैन के लिए आपका निकल जाएगा। ओके बताओ हाउ मच, वन पॉइंट सिक्स फोर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। वन पॉइंट सिक्स फोर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, थ्री दैट इज इन मीटर। ओके फॉर थ्री स्पैन सी करेक्शन, सैक करेक्शन इट इज इक्वल टू थ्री इंटू वन पॉइंट सिक्स फोर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, हाउ मच, 4.942 meters into 10 to the power 3। तो इसको अगर हमने mm में कर दिया, यानी इसमें कर दिया 0.004949, तो दैट इज ये माइनस पर आएगा, दैट इज सैक करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले बाकी पूरे ऑप्शन है, एक ऑप्शन छोड़ के, पहला ऑप्शन छोड़ के, तो पहला ऑप्शन वही करेक्ट है, तो नेगेटिव ऑप्शन इट इज 0.004942 इज द ऑप्शन। तो दैट ऑप्शन इट इज डी, ऑप्शन इज डी गाइस। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ओके ठीक है, समझा ना, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आया कि सबको, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11? नहीं सर। ओके नो इश्यूज, वन मिनट। ए 30 मीटर्स चेन was found, 30 meter chain was found to be 10 centimeter too long, 10 centimeter too long. After chaining a distance, kitna hai aapka 2500. It was found. Uske baad, 15 centimeter too long at the end of the work day. In a 2500 ke baad, aapka kitna hai 15 centimeter hai. ओके 15 सेंटीमीटर है 4500 के लिए, यानी अगले 2 किलोमीटर के लिए। ओके व्हाट इज द ट्रू चेन लेंथ एंड करेक्ट चेन लेंथ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। ओके इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले से लिया है, दो करेक्शंस रहेंगे, अलग अलग करेक्शंस का L1 और L2 आप ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा। देखो मैं ये आपको अभी कर देता, टू लॉन्ग है, यानी आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके देखो कैसी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि आपने 0 से लेके
2500 एंड देन 4500 ऐसे किया है। तो यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे आपका लॉन्ग कितना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पहले 10 था देन 15 हो गया, पहले 10 था देन 15 हो गया। तो यहाँ पे जो L डैश है मेरा, यहाँ पे जो L डैश है 10 सेंटीमीटर यानी कितना होता है 0.01, 15 सेंटीमीटर यानी कितना होता है 0.015। तो यहाँ पे जो L डैश है यानी एक्चुअल चेन लेंथ, जीरो पे अगर देखते हैं तो 30 मीटर का चेन लेंथ है, 30 मीटर। यहाँ पे जो चेन लेंथ आ रही है आपकी, ऐड हो जाएंगी, टू लॉन्ग से ऐड हो जाएंगी, यानी L डैश इज इक्वल टू 30.01 हो जाएगी। ओके, और बाद में यहाँ पे जब आप जाओगे तब आपका कितना हो रहा लॉन्ग, लॉन्ग कितना हो रहा गाइस, आपका लॉन्ग हो रहा ये लॉन्ग हो रहा यानी 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो रहा। तो 30 मीटर की चेन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L डैश इज इक्वल टू अवर 30.015 मीटर। ओके, सो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका, आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेंथ, एवरेज L डैश, L डैश आपको लेना पड़ेगा, एवरेज L डैश 30 प्लस 30.01 डिवाइड बाय 2, दैट इज L डैश फॉर 1, दैट इज L डैश फॉर 2। 30.01 प्लस 30.015 डिवाइड बाय 2, हाउ मच, बाद में करेक्टेड मेजर डिस्टेंस, ट्रू लेंथ 1 is equals to measured distance, measured length, L dash 1 divided by L. How much? True length 2. Measured length to L dash 2 divided by 30.012. 25 आला पाहिजे ना, 25, that is 2000, 30.0125 divided by 30. How much this 2? 2500.41. That's true length 1. True length 2. अब ये कैसे निकाला, तो ये आपका L is equals to, L dash is equals to 30 plus किया मैंने 0.01। ओके, ये कैसे निकाला, तो ये 30 plus 0.015, अगर टू शॉर्ट रहता था तो माइनस करता था। ओके, ये भी माइनस वाला भी क्वेश्चन लिया है मैंने, बताओ सर तिथे 2000 कसं कळालं, 4500 मायनस 2000 डिस्टन्स, यहां से यहां तक का डिस्टन्स 2500। अगर यहां पे सपोज यहां पे इनिशियली जीरो नहीं देखे और आपको देखे कि 500 वगैरह देखे तो वो भी 2000 रहेगा, 500 अगर देखे तो 1000 देखे तो 1500 रहेगा। ओके, तो आपने कितना 2400 यानी 2500 तक गिनते वक्त आपका टू लॉन्ग कितना था, 10 था, बाद में आपका टू लॉन्ग बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया, यानी 5 बढ़ गया, यानी 15 हो गया टोटल। ओके, हाउ मच दिस, 2000.83,
2000.83 add both two true length. True length 1 plus true length 2. 2500.41 plus 2000.83. This is your correct answer. 4501.24. 4501.24. आंसर नहीं है बोलना है ना. एक मिनट गलत किया मैंने. अब हम नहीं है सेंटीमीटर में देखे ना. सॉरी गाइस वन मिनट. 10 रहेगा ये जीरो काट दो क्योंकि आप क्या कर रहे हैं 15 डिवाइड बाय 100 करोगे तो पॉइंट पे आंसर आएगा. ओके यहाँ पे भी आपको 10 डिवाइड बाय यानी 30 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.05 होगा और ये 30.125 होगा. तो ये आप काटो और यहाँ पे 0.5 कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा 4.1 होगा और ये आपका क्या होगा 0.83 होगा. इतना डिफरेंस आएगा. पॉइंट इधर होना सर. सो ये वैल्यू चेंज होगी. ओके मैं एमएम में समझ के उसको किया. एमएम में नहीं सेंटीमीटर में तो डिवाइड बाय 100 अगर करेंगे तो 0.1 में आएगा. डिवाइड बाय 100 अगर करेंगे तो 0.15 में आएगा. ओके सब जगह चेंज कराया मेरा. ठीक अभी ठीक है. आंसर इज 4512.4 समथिंग आ रहा होगा. तो सी इज द आंसर. ओके सी इज द आंसर. देन लास्ट ई आंसर है. लास्ट आंसर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए रहे. ओके ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इनवर्ट टाइप देखिए गाइस. इनवर्ट टाइप में थर्मल कोएफिशिएंट कितना रहता. और इनवर्ट टाइप कहाँ पे यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करते हैं गाइस इनवर्ट टाइप. देखो यहाँ पे क्या आती है. इनवर्ट टेप 50 मीटर इन लेंथ स्टैंडर्डाइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्यू टू 10 केजी पुल इन इज यूज टू मेजर अ बेस लाइन. बेस लाइन मेजर करने के लिए यूज करते हैं जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए जो मेन लाइन रहती है. द ट्रू लेंथ ऑफ ए टेप इफ At the time of measurement, the temperature was 50 degree. The coefficient of linear expansion is equals to 1 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Okay. This is given. So, kya rahega correction? L into Tm minus T naught. L into alpha into Tm minus T naught. Khatam. स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका कितना है 20 है. आपने टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर में लिया ये
अल्फा आपका ये है और लेंथ आपकी ये, खत्म हो जाएगा आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 19। एल इंटू अल्फा करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू, क्या पूछा है आपको? लीनियर एक्सपांशन, ओके, आपको करेक्टेड लेंथ पूछा है। ओके, सो ट्रू लेंथ एल इंटू अल्फा इंटू टी एम माइनस टी नॉट, एल इट इज इक्वल टू 50, अल्फा इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, टी एम इज इक्वल टू 50 माइनस 20, हाउ मच? हाउ मच गाइस? पहले करेक्शन निकलेगा, सीटी करेक्शन निकलेगा, ट्रू लेंथ नहीं है, दैट इज टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन 0.0015, दैट इज पॉजिटिव, 0.0015 मीटर, दैट इज पॉजिटिव। सो ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 50 प्लस सीटी, 50 प्लस 0.0015, 50.0015 मीटर, 50.0015 मीटर, डी इज द आंसर। ओके, द सेकंड चैप्टर इज ओवर, हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे थर्ड चैप्टर के लिए। इसके जो भी डेरिवेशन आप, ये है आज लेक्चर आएगा, आप आज देख सकते लेक्चर्स। ओके, और 5 मिनट्स में हम आरसीसी के लिए ज्वाइन करते हैं। ओके, 5 मिनट्स में मैं आरसीसी की लिंक अभी भेज देता हूँ।